लेकिन इस वक्त जो खबर अब हम बताने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर एक बार और मुहर लगाता है कि किस तरह पाकिस्तान अपना घर बेचकर भी भारत में आतंकियों को लगातार स्पॉन्सर कर रहा है। एक खबर अलकायदा से जुड़ी हुई, अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। देश में बड़ी तबाही की फिराक में थे ये गिरफ्तार आतंकी, राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर इनका हमले का प्लान था। आतंकी सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा से जुड़े थे। केरल पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए 9 आतंकी और इनका लिंक पाकिस्तान से जुड़ रहा है। जी हां, बता देते हैं आपको, पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये तमाम वो आतंकी हैं जिनको केरल और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अलकायदा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और पाकिस्तान का लिंक यहां भी जुड़ रहा है। तो पाक जहां भी भारत में आतंकी घटनाएं होती हैं लगभग हर जगह पाकिस्तान का लिंक जुड़ता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि गिरफ्तारी में इन अलकायदा के आतंकियों में पाकिस्तान का लिंक क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। ये सभी आतंकी पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में थे। पाकिस्तान के इशारे पर बड़ी वारदात की साजिश इन्होंने रची थी, कश्मीरी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने की साजिश थी और पाकिस्तान के अलकायदा मॉड्यूल से ये जुड़े हुए थे, जिसका बहुत बड़ा प्लान हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने फेल किया है। तो ये जो दो खबरें हैं ये आपको बताती हैं किस तरह से पाकिस्तान लगातार प्रॉक्सी वॉर में जुड़ा हुआ है, टेररिज्म स्पॉन्सरशिप में जुड़ा हुआ है। काश्वर, तो भारत में अलकायदा के आतंकी गिरफ्तार होते हैं और उनका लिंक एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़ जाता है। गौरव, आपकी बात यकीनन ठीक होगी कि मेरे पास तो इस किस्म की कोई जानकारी नहीं, लेकिन जो मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान ने पिछले 8 महीने से जो यहां पे काम किए हैं आतंकियों के खिलाफ और ये जो टेरर नेटवर्क को यहां पे तोड़ा है, तो इस पे तो पाकिस्तान सरकार इमरान खान की सरकार को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और दूसरा, इसके ऊपर FATF की जितनी लटकती तलवार पिछले 1.5 साल से है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इस मौके ऊपर कोई ऐसा कोई काम कर सकती है। जब आपके ऊपर FATF की तलवार लटक रही है तब तो आपको करना ही पड़ेगा। ग्रे लिस्ट से आप ब्लैक लिस्ट होने के ऊपर हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।